हेलो गाइज, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल चैप्टर और गाइज, जिस पर मैं बात करने वाला हूँ टाटा पहले का नेक्स्ट मैच जो कि आरसीबी और कोलकाता के बीच ये मैच आज शाम 7:30 बजे दोस्तों ये मैच चिन्ना समय स्टेडियम में खेला जाने वाला है। तो गाइज, यही जानते हैं कि जब ये दोनों टीम आपस में भिड़ती है तो दोस्तों कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कि एक ट्रम्प कार्ड सिलेक्शन रहता है। और दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं ड्रीम इलेवन की टीम भी दूंगा जिस टीम के साथ आप देखो वन साइडेड विन भी कर पाओगे। देखो यार, लास्ट बार जब कोलकाता जब आरसीबी को हराई थी तो गाइज 81 रन की बहुत ही बड़े अंतराल कोलकाता ने आरसीबी को हराया था जो कि गाइस वो अपने होम ग्राउंड पे हराई थी। बट इस बार ऐसा नहीं है, इस बार देखो कोलकाता आरसीबी के होम ग्राउंड यानी कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आ रही है। तो दोस्तों देखो दोनों टीमों के बीच देखो थ्रिलर मैच आपको देखने को मिलने वाला है। तो गाइस देखो मैच तो बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग होगा और गाइस देखो आपके लिए इस मैच में इन्वेस्टमेंट भी अगर आप कर रहे हो ना तो देखो बहुत आप अच्छा इन्वेस्टमेंट आप करके चल सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल दोस्तों वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो में आपके लिए गिववे भी है क्योंकि दोस्तों मैं इसी मैच से रिलेटेड आपसे एक आसान सा सवाल पूछूंगा और अगर आप उसका सही आंसर देते हो तो फिर दोस्तों आपको हमारी ओर से 500 रुपये का गिववे प्राइस भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखना, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहती है और जो भी मैं आपको दोस्तों वीडियो में बताऊंगा, जो भी मैं आपको स्टेट्स डाटा आपको दिखाऊंगा दोस्तों, आप चाहो तो उसके बेस पर भी अपनी खुद की टीम बना सकते हो, ठीक है। तो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का मेन चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो देखो एसएल चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गाइस दे रखा है, वहां सब जाकर सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल को आप देखो ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको देखो सभी स्पोर्ट्स की फाइनल टीम आपको मिलती है, क्रिकेट की भी आपको मिलेगी। अगर आप बास्केटबॉल खेलना चाहते हो तो आपको बास्केटबॉल, साथ ही साथ आपको फुटबॉल की और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको कबड्डी की भी फाइनल टीम हम लोग आपको बिल्कुल फ्री में आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी यहाँ पर खेलकर अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल को आप देखो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी चलिए दोस्तों फटाफट से मैं यहां पर मैच को चलता हूं। दोस्तों ये मैच नंबर 36 रहेगा जो कि 26 अप्रैल शाम के 7:30 बजे दोस्तों ये मैच एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाने वाला है। पिच रिपोर्ट की अगर दोस्तों मैं बात कर लूँ तो देखो पिच बिल्कुल फ्लैट रहेगी और सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों, यहाँ की जो बाउंड्री होती है बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है जिसके कारण देखो यहाँ पर बल्लेबाज तो गाइस इंजॉय करता ही करता है, बॉलर्स के लिए देखो बहुत ही घटिया ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पर देखो बाउंड्री लगाना दोस्तों एक बहुत ही अच्छा है, मतलब बाउंड्री देखो बहुत यहाँ पे इजीली लगता है और गाइस इस मैच में भी आपको एक हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिलने वाला है। पिच बिल्कुल फ्लैट रहेगी और देखो सेकंड इनिंग में जो भी यहाँ पर टीम बैटिंग करती है उनका देखो यहाँ पर विनिंग रेशियो भी ज़्यादा है। यहाँ पर 63 बार गाइस बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने मैच को विन किया है 119 मैच में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर ड्यू भी आती है सेकेंड इनिंग में और फिर देखो यहाँ पर बैटिंग करना काफ़ी ज़्यादा और आसान हो जाता है। एवरेज स्कोर बात कर लूँ तो देखो यहाँ पर 200+ का तो देखो आपको एवरेज स्कोर इस मैच में लगता हुआ दिख ही जाएगा, बट यहाँ पर आप वैसे आप 170+ आप मानकर चल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है ये, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहेगी और दोनों टीमों का जब आपस में भिड़ती है तो प्लेयर्स का रिकॉर्ड क्या रहता है, हेड टू हेड रिकॉर्ड यहाँ पर क्या रहता है, ठीक है। तो पहले मैं बात कर लूँ आरसीबी की तो देखो आरसीबी की ओर से विराट के साथ आपको डुप्लेसिस ओपनिंग करता हुआ दिखने वाला है। सॉरी, अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे हेड टू हेड रिकॉर्ड तो देखो हेड टू हेड रिकॉर्ड तो इनका बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर देखो दोनों का लगभग 30 से ऊपर का एवरेज है। नंबर 3 पे गाइस महिपाल उमरोन जो को यार अभी तक ओवरऑल ये प्लेयर फ्लॉप ही रहा है, 5 मैच में केवल 41 रन, ठीक है। हेड टू हेड दोस्तों अभी तक इन्होंने एक ही मैचेस खेला भी नहीं है। नंबर 4 पे ग्लेन मैक्सवेल 7 मैच में 253 रन, बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहा है। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखो आप इनका चेक कर सकते हो, 18 मैच में दोस्तों इनका भी 27 का एवरेज रहता है। इनके अलावा शहबाज अहमद दोस्तों ये भी फ्लॉप प्लेयर है। देन गाइस यहाँ पर दिनेश कार्तिक विकेट कीपर बैट्समैन देखो यार वैसे तो अभी तक फॉर्म में नहीं है बट हेड टू हेड रिकॉर्ड दोस्तों इनका भी बहुत ही बेस्ट है, 28 का एवरेज है। इनके अलावा दोस्तों सुरेश प्रभु देसाई देखो यार इनको टीम मैनेजमेंट चाहिए कि इनको थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करने के लिए भेजे। अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे तो 3 मैच में केवल 19 रन, देखो यार इनकी बैटिंग आती नहीं है, पहले कुछ मैच इन्होंने खेला नहीं है। वेन्यू पर भी देखो दोस्तों इन्होंने केवल 2 ही मैच खेला है, तो आप इस मैच में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करने आएगा, ठीक है। हिट बहुत ही बढ़िया कर लेता है। इनके अलावा गाइस डेविड विली जो कि आपको पावर प्ले में बॉलिंग करता हुआ दिखेगा और ये देखो बैटिंग भी ठीक ठाक करता है, तो देखो ये आपको प्लेइंग 11 में खेलता हुआ आपको दिखने वाला है। 3 मैच में 24 रन, लास्ट मैच में दोस्तों इन्होंने 1 विकेट भी लिया था और रन इन्होंने बहुत ही कम दिए थे। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी देखो इनका बहुत ही बढ़िया है, 2 मैच में 2 विकेट। वरिंदु हरसंगा की बात करूँ तो 4 मैच खेला है अभी तक, इन्होंने 4 विकेट लिए हैं, बैटिंग ठीक ठाक करना आता है इनको। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, 2 मैच में 4 विकेट। दोस्तों ये आपके लिए इस मैच का एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन रह सकता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप इन्हें अपनी टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन भी थोड़ा सा रिस्क लेकर आप इन्हें बना सकते हो, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पर विजय कुमार व्यस्त
के जगह प्लस पे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में देखो यहाँ पर आरसीबी हर्षल पटेल को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यार देखो ये कुछ मैच से थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब खर्चीला रहा है, रन बहुत ही दे रहा है और देखो विकेट इनको दोनों मैच में मिला नहीं है, ठीक है। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी देखो अभी तक इन्होंने एक भी मैच खेले नहीं है और वैन पर इन्होंने 3 मैच में केवल 4 विकेट लिया है, ठीक है। ओवरऑल दोस्तों एक प्लेयर बहुत ही युवा है और आई थिंक इनके प्लेस पर आपको हर्षल पटेल खेलता हुआ दिखने वाला है। देन गाइस यहाँ पर मोहम्मद सिराज 7 मैच में 13 विकेट और वन ऑफ द बेस्ट बॉलर आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखेगा, साथ ही साथ दोस्तों ये आपको डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते हुए दिखने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी आरसीबी की फुल प्लेइंग 11 या फिर आप इन्हें स्टार्टिंग 11 भी बोल सकते हो, ठीक है। केकेआर की बात करूँ तो देखो जगदीशन, मुझे तो यार देखो प्लेयर समझ में नहीं आता कैसा खेलता है, 4 मैच में केवल 43 रन और हेड टू हेड रिकॉर्ड देखो इनका बेस्ट है। हेड टू रिकॉर्ड जब लास्ट जब खेलने आई थी आरसीबी तो उनके इन्होंने उनके खिलाफ 33 रन की देखो ठीक ठाक पारी खेली थी और इनके साथ देखो रॉय ओपनिंग करने आएगा 2 मैच में 104 रन बैक टू बैक दोनों मैच में इन्होंने बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली है। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखो इनका 20 का एवरेज है, वेन्यू पर देखो केवल 1 मैच में इन्होंने 5 रन स्कोर किया था। देखो यार रिकॉर्ड तो इनका देखो बताता नहीं है बट जैसा फॉर्म में चल रहा है देखो ये बहुत ही अच्छी इनिंग खेल सकता है, बट इनको सबसे बड़ा इनका टारगेट रहेगा मोहम्मद सिराज, अगर ये मोहम्मद सिराज इनको आउट करता है तो फिर देखो ये इनिंग खेल ही नहीं पाएगा, ठीक है। और देखो मोहम्मद सिराज पावर प्ले में बॉलिंग करने भी आएगा और पावर प्ले में बैटिंग करने जेसन रोही आने वाले हैं। नंबर 3 पे नीतीश राणा या इंपैक्ट प्लेयर के रूप में देखो आपको वेंकटेश अय्यर भी खेलता हुआ दिखने वाला है, दोनों प्लेयर देखो अच्छे फॉर्म में है और देखो आपके लिए देखो बढ़िया ऑप्शन भी रहेगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखो राणा का 25 का एवरेज भी है। नंबर 5 पे रिंकू सिंह जो कि 7 मैच में 233 रन देखो ये भी जगह इस बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है और हेड टू हेड रिकॉर्ड 2 मैच में 52 रन 26 का एवरेज, ठीक है। इनके अलावा गाइस देखो रसेल जो कि यार देखो अभी तक ये इस साल देखो फॉर्म में है ही नहीं, 7 मैच में केवल 107 रन। हेड टू हेड रिकॉर्ड यार देखो इनका वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म है आरसीबी के खिलाफ, बट दोस्तों जैसा फॉर्म में चल रहा है उसके हिसाब से नहीं लगता कि मतलब कुछ ज्यादा स्कोर करके देगा, बट गाइस जैसा जो मतलब ये पिच है ना जो जैसी बाउंड्री देखो उसके हिसाब से ये स्कोर कर भी सकता है। इनके अलावा गाइस सुनील नारायण लास्ट बार देखो इन्होंने आरसीबी को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था, 7 मैच में टोटल इन्होंने 6 विकेट भी लिया है और आरसीबी के खिलाफ दोस्तों इन्होंने यहाँ पर 3 विकेट भी लिए थे, ठीक है, जो कि कोलकाता में मैच हुआ था। और फिर गाइस यहाँ पर डेविड वेसे लास्ट मैच खेलने आया था, पहले मैच में 9 विकेट मिला, रन मिला, रन भी इन्होंने नहीं बनाया और देखो ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीला भी था। वेन्यू पर अभी तक इन्होंने 6 मैच खेला है, 6 मैच में इन्होंने 6 विकेट भी लिए हैं। देन गाइस यहाँ पर कुलवंत खेजुरलिया 2 मैच में अभी तक विकेट नहीं मिला। सुरेश शर्मा दोस्तों ये भी देखो एक ठीक ठाक युवा स्पिनर है, 5 मैच में 7 विकेट और जब लास्ट बार आरसीबी खेलने आई थी हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूँ तो दोस्तों इन्होंने 3 विकेट भी लेकर आरसीबी को देखो बिल्कुल ही बैकफुट पर डाल दिया था। और फिर गाइस यहाँ पर उमेश यादव जो कि दोस्तों अभी तक ये साल भी इनका नहीं रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप रहे हैं, 7 मैच में केवल 1 विकेट और आपको ये पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखेगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखो उतना बेस्ट नहीं है, वेन्यू पर भी इन्होंने ठीक ठाक बॉलिंग किया है, 21 मैच में 25 विकेट। और फिर गाइस यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती 7 मैच में 10 विकेट, ये दोस्तों एक मिस्ट्री स्पिनर है, अगर ये देखो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करना आता है तो देखो इनको थोड़ा सा विकेट मिलने के चांस थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा है। और अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूँ तो 7 मैच में इन्होंने भी देखो 10 विकेट लिए हैं। तो गाइज ये तो बात होगी आपकी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं गाइज टीम की, टीम से पहले गाइज आपके लिए गिवअवे का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यार गिवअवे का क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछने वाला हूँ बट दोस्तों उससे पहले कुछ टारगेट मैंने आपके लिए रखा है। देखो यार गिवअवे का प्राइस जब भी आपको दिया जाएगा जब आप देखो 500 व्यूज़ का टारगेट आप पूरा करते हो दोस्तों, इस वीडियो पर आपको 500 व्यूज़ का टारगेट पूरा करना ही है और उसके साथ साथ गाइज आपको 100 लाइक्स का भी टारगेट पूरा करना है। तो गाइज ये बहुत ही छोटे टारगेट है, आई होप आप इस वीडियो पे ये टारगेट पूरा कर ही दोगे, ठीक है। जब भी आपको देखो गिवे का प्राइस आपको देखो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब गाइज देखो गिवे का बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन, देखो यार गिवे का पहला क्वेश्चन रहेगा कि इस मैच में मैन ऑफ द मैच प्लेयर कौन सा बनने वाला है और सेकंड क्वेश्चन है कि इस मैच में विराट कोहली कितना स्कोर करेगा। अगर आपको देखो सटीक आंसर अगर आप नहीं भी दे सकते हो तो आप अगर आप चाहो तो आप 2 से 3 रन का आप देखो गैप रखना, क्योंकि यार देखो सटीक आंसर कोई नहीं दिखाता, ठीक है। जिसका यार जितना एक्यूरेट आंसर होगा उसे देखो गिवे विनर ग्रुप में हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको कॉमेंट सेक्शन में आना है और फिर आपको ये दोनों सवाल का आपको जवाब देना है, ठीक है। मैच से पहले 7:30 बजे से पहले ही आपको ये आंसर देना है, ठीक है। और एडिट मत करना, क्योंकि अगर आप एडिट करते हो तो फिर वो वहां पर आपको दिख जाता है, ठीक है। और एक आईडी से केवल आपको एक ही आंसर करना है, मल्टीपल अगर आप आंसर करते हो तो फिर आपको गिवअवे विनर के रूप में सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ सिंपल सा रूल है जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब दोस्तों मैं अगर टीम की यहाँ पर बात कर लूँ तो देखो टीम आपके सामने है, ये जो टीम मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखो मेरी प्री फाइनल टीम है। मैंने इस टीम में दोस्तों बैट्समैन को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर किया है। देखो इस मैच में मुझे नहीं लगता कि जेसन रॉय चलेगा या फिर डुप्लेसी चलेगा, तो आप चाहो तो मेरे प्रेडिक्शन के बेस पे आप इन दोनों प्लेयर को आप ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपका कॉल है, आप ड्रॉप करो या ना करो।
अभी के लिए मेरा कैप्टन विराट कोहली है, वीसी दोस्तों मैं यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल के साथ गया हूँ। अगर आप सेफ जाना है आपको तो यहाँ पर आप डुप्लेसिस कोहली के साथ भी आप देखो जा सकते हो, ठीक है। बाकी फाइनल टीम के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिंक दोस्तों आपको मैं टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLChamp को आप देखो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि दोस्तों आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ एक हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक।